इन व्यू हाँ हेलो मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, अच्छा आप ठीक कंटिन्यू है। रखें। तो आज किसने प्रेजेंट करना है? प्रेजेंटेशन बेसिकली इसका जो हमारी जो एक डिटेल्ड डिस्कशन थी वो उस तरीके से जारी रह सकती है, क्योंकि जो आपके स्किल स्टेशंस अब होंगे, जो मॉडिफाइड उसका पैटर्न है, उसमें किसी स्टेशन पे यही चीजें जो हम केस डिस्कशन में सारा देख रहे होते हैं, दिस विल बी असेस्ड इन पार्ट्स एट डिफरेंट स्किल स्टेशंस। यानी किसी स्टेशन पे आपकी हिस्ट्री टेकिंग हो सकती है। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? अच्छा, जी जी मैडम, आवाज आ रही है आपकी। यस मैम, आ तो गई। हो सकता है कोई ऐसा रोल प्लेयर हो जिसकी आपने हिस्ट्री देनी हो, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ पेशेंट है, और या फिर ये कि कोई सिनेरियो आपको दिया होगा उसका फिर वर्कअप होगा। अब इसमें ये जो एक्सटेंडेड टॉक्स होते हैं, ये बेसिकली इसमें ये होता है कि एक सिनेरियो आपको दिया जाता है, फर्ज किया उस पर आपने डायग्नोसिस बना लिया या उस पर इन्वेस्टिगेशन आपसे पूछ ली। हो सकता है एग्जामिनर उसके बाद कुछ लीडिंग क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं, या इसमें लीडिंग आंसर्स इस तरह से होंगे कि आप कहते हैं कि मैं इसको एग्जामिनेशन करूंगी और एग्जामिनेशन पे मैं ये चीजें देखूंगी इस पेशेंट की, जो जिसका सिनेरियो आपको दिया हुआ है। तो एग्जामिनर आपको एग्जामिनेशन के फाइंडिंग बता सकता है कि ठीक है, इस पेशेंट में जो आपने ये पूछा उसमें एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स ये थी, देन व्हाट। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो सिनेरियो आगे चलता है। उसमें वो नहीं होगा कि द केस विल एंड विद दैट सिनेरियो जो आपको कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है, और फिर उसके बाद आपने कुछ डेफिनेट क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं जो इंटरैक्टिव स्टेशंस आपके होते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड ये जो है आपकी सारी स्ट्रेटेजी है, इसमें हर स्टेशन पे एक एग्जामिनर जरूर बैठा होगा, मतलब इसमें सारे ही ऑब्जर्व्ड स्टेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्टेशन आपका अनऑब्जर्व्ड है, जैसे पहले या कोई ऐसा ऐसे भी स्टेशन होते थे जो कि जिसमें आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं, बट नाउ एवरी स्टेशन विल बी अ सुपरवाइज्ड स्टेशन। हर स्टेशन पे एक एग्जामिनर, 12 मिनट का एक स्टेशन, जिसमें 2 मिनट्स जो हैं वो आपके उस जो आपका सिनेरियो है उसको उसको रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में, और जो बाकी 10 मिनट हैं वो आपकी इंटरेक्शन विद द एग्जामिनर। इंटरेक्शन कैन बी ऑन डिफरेंट थिंग्स, लाइक इसमें ये भी हो सकता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन तक भी बता दिया जाए, एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट द मैनेजमेंट स्टेप्स, क्योंकि जो मैनेजमेंट स्टेप्स इसमें होंगे, फिर मैनेजमेंट स्टेप से रिलेटेड जो है वो आपको डिफरेंट बीच में जो है वो आपका एग्जामिनर जो है वो आपको डिफरेंट जगहों पे ये बताता है कि आप डायबिटीज इन प्रेगनेंसी के एग्जाम्पल ले लें, आपको सारा बता दिया गया कि ये पेशेंट है इतने वीक्स पे है, ये इसके ब्लड शुगर लेवल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन में आप क्या क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन भी आपको पता चल गई। फिर एग्जामिनर ने ये पूछा कि अच्छा अब इसकी ट्रीटमेंट आप किन लाइन पे करोगे, तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपने कुछ मेन प्रिंसिपल्स, बिकॉज इट विल बी अ टाइम बाउंड स्टेशन, तो उसमें जो है वो आपने फिर उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए आपने कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट बताने होंगे, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। और हो सकता है वो स्टेशन सिर्फ ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही हो कि ये सिनेरियो है, ये उसके टेस्टों पे ये आया, अब आपने इसकी ट्रीटमेंट किन लाइन पे करनी है। आप डायबिटीज इन प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट शुरू करते हो, मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर लेवल्स, डेफिनेटली कि सपोज ये बॉर्डर लाइन है, आपने उसकी मैनेजमेंट की बाय डाइट एंड एक्सरसाइज। फिर एग्जामिनर ने बताया कि अच्छा एक हफ्ते के बाद उसके ब्लड शुगर लेवल्स अब ये हो गए, अब आप क्या करोगे। इस तरह स्टेप टू स्टेप डिफरेंट स्टेप्स की जो इंटरवेंशन है दैट विल बी बाय द एग्जामिनर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट कि ये जो है वो उस तरह, इसी तरह से एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन में भी ये है, अब एक पेशेंट जो है डेफिनेटली एक पेशेंट, जैसे अगर फर्स्ट किया ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन की ही हम बात करते हैं, तो ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन में एक पेशेंट जो है वो कोई 20-25 या जितने भी 10-15 कैंडिडेट जितने भी हैं वो एक पेशेंट पे तो नहीं हो सकते,
इसी तरह से बाद दफा में जनरल एग्जामिनेशन भी होते हैं, तो उसके लिए कुछ जो है वो फेक वो रोल प्लेयर्स भी नहीं हो सकते, तो उस पर कुछ मैनिकिन्स रखे जा सकते हैं, मैनिकिन्स के ऊपर, या फिर हो सकता है पेशेंट बदल के भी, कि एक पेशेंट को दोने कर लिया और उसके बाद दूसरा पेशेंट आ गया, तो इस तरह से रियल पेशेंट भी किसी ऐसे स्टेशन पे हो सकते हैं जिसके दो से ज्यादा ना हो, लेकिन केस सिमिलैरिटी एश्योर करना इसमें जरूरी होता है। केस सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि हर स्टेशन पे, यानी हर जो कैंडिडेट है वो एक ही तरह के सिनेरियो को फेस करेगा, एक ही तरह के पेशेंट को फेस करेगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन आपने करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, तो उसमें एक एक पेशेंट तो हो कोई 30 वीक्स की फंडल हाइट का और दूसरा पेशेंट हो कोई ट्विन प्रेगनेंसी के साथ फुल टर्म, तो ये इस तरह की चीजें नहीं होंगी। अगर फर्ज किया पेशेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी फर्स्ट एग्जाम के बाद ही कुछ पता चलेंगी, बट दीज आर द जनरल गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स जो इस तरह के स्टेशन पे होते हैं। तो अमूमन इस तरह के जहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व होता है वहां पे मैनिकिन्स रखे जाते हैं, वहां पे ये जो क्लिनिकल मैनिकिन्स हैं वो चीजें रखी जा सकती हैं। इसी तरह से लाइक आपसे कोई CPR करवाना है, आपसे कुछ और इस तरह की ड्रिल करवानी है, शोल्डर डिस्ट्रोशिया है, बहुत सारी चीजें जो पहले भी आती रही हैं, तो उसमें भी एक केस सिनेरियो के साथ शुरू होगा और फिर उसके बाद पूरी जो प्रैक्टिकल स्किल है वो आपकी उस तरह से डेमोन्स्ट्रेट होगी, विच कैन ईजिली टेक 10 minutes, क्योंकि 2 मिनट में आपने सिनेरियो पढ़ा, 10 मिनट में आपने उस सिनेरियो को फिर आंसर किया, इंटरेक्ट किया एग्जामिनर के साथ। तो इस तरह बहुत सारी स्किल्स हैं जो डिफरेंट पहले भी टॉक्स में आती रही हैं, उनको थोड़ा सा जरा एक्सटेंड कर दिया जाएगा बाय इंक्लूडिंग मोर क्वेश्चंस बाय द एग्जामिनर्स, क्योंकि हर स्टेशन आपका सुपरवाइज्ड स्टेशन है। तो इस तरह से हम अपनी जो डिस्कशन है अभी जो ऑनलाइन टीचिंग में जो हम अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं उसमें भी हम इस तरह इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप जैसे आप पेशेंट बताएंगे, ये वाला पेशेंट है, पेशेंट एक है इनफर्टिलिटी के साथ है, तो इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री को रिव्यू किया जा सकता है कि एक इनफर्टाइल पेशेंट की हिस्ट्री लेते हुए, एंड डेफिनेटली दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली ऑफ द फीमेल बट आल्सो ऑफ द मेल पार्टनर, तो ये चीज आपकी बतानी जरूरी है। उसने जो पेशेंट रोल प्लेयर जो बैठा होगा उससे आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है, और उसमें बेसिकली आपका एटीट्यूड, ये सारी चीजें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंस है by taking a comprehensive history, वो आपकी assess की जाएगी, ठीक है? आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो, अच्छा हेलो, अच्छा इसमें जो हम अभी बात कर रहे थे ये तो होगी हिस्ट्री की, डॉक्टर नादिया आप अपना माइक म्यूट कर दें। हाँ जी, मेरा ख्याल है डॉक्टर नादिया अपना माइक बंद कर दें क्योंकि उनकी तरफ से काफी डिस्ट्रप्शन। अच्छा, अब इसमें ये तो होगी कि हिस्ट्री रोल प्लेयर के साथ, अब बार दफा इसमें ब्रेकिंग बैड न्यूज वाली चीज, डेफिनेटली दैट इज अ स्किल, ये एक समझे कि एक हाई लेवल की स्किल होती है कि हाउ टू ब्रेक द बैड न्यूज। तो ब्रेकिंग द बैड न्यूज अगेन द रोल प्लेयर कैन बी देयर, आपने उसको बताना है कोई कंजेनिटल एनोमलीज है, कोई फर्स्ट ईयर मेलिग्नेंसी डायग्नोज हो गई या IUD हो गई, इस तरह के सारे केसेस जो हैं इसमें आपने डिफरेंट जो है वो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में, अब कम्युनिकेशन स्किल में ये नहीं कि आपकी सिर्फ बातचीत उससे, और जो बातचीत के जो कंपोनेंट्स टू बी कवर्ड इन कम्युनिकेशन या जो उसके वो अपने उसकी काउंसलिंग जो करनी है, सिर्फ वही नहीं होते, योर एटीट्यूड इज बीइंग असेस्ड, कि हाउ यू स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन, हाउ यू बेसिकली आपने अपनी इंट्रोडक्शन करानी है, आपकी जो एटीट्यूड है उस वक्त कैसा होगा, आई टू आई कॉन्टेक्ट है आपका उसके साथ, बातचीत का लेवल कैसा है, वट लैंग्वेज यू यूज, और उसमें जो है वो हाउ यू स्टार्ट योर डिस्कशन। तो ये एक बेसिकली जो ब्रेकिंग द बैड न्यूज होती है उसमें थोड़ी सी एक सैंडविच पॉलिसी उसमें इख्तियार की जाती है,
लेकिन एनीवे ये आपको सिर्फ एक टाइप्स बताने का मेरा मकसद था कि इसमें ये हो सकता है। अब उसमें बार दफा ऑडिट भी आ जाते हैं, इसी तरह के जो स्टेशन होती हैं कि उसमें ऑडिट है आपका ये, या आपने फर्ज किया आपकी कोई पॉलिसी मेकिंग वाली चीज भी आ सकती है, आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें सिजेरियन सेक्शन रेट इसको उठाए तो आप उसको कोई मिनिमाइज करने की कोई पॉलिसी बताएं कि उसमें क्या क्या वजह है पॉलिसी में, तो जाहिर फिर पॉलिसी मेकिंग वाली चीज भी होनी चाहिए। फिर बार दफा पैम्फलेट्स जो होती हैं, इंफॉर्मेशन लीफलेट्स, आप उनका रिव्यू करते हो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ कोर्स, और फिर उसके बाद आपका एग्जामिनर जो है वो उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपसे पूछ सकता है। और इसी तरह से बार दफा जैसे बाकी ये तीन कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं आपके लॉन्ग केसेस में कि हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड देन फाइनली द मैनेजमेंट, ये चार कॉम्पोनेंट्स हो गए। तो ये चार कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो अब ब्रेक डाउन करके आपसे पूछे जाएंगे। सो इन अ वे ये जो लॉन्ग केस वाली चीज है ये इसको समझें कि लॉन्ग केस, एक लॉन्ग केस की बजाय उसमें तीन स्टेशन में डिवाइड हो। तो इस ये जो स्ट्रेटेजी है या ये जो फॉर्मेट है एग्जाम का अब, ये इस लिहाज से बहुत अच्छा इसलिए है कि इसमें एग्जामिनर बायस खत्म हो जाता है। मतलब ये जैसे डेफिनेटली होता है ये नेचुरल, कोई एग्जामिनर किसी तरह सारे क्वेश्चन की टाइपिंग फर्क होती है, एक ही तरह की डिजीज होती है लेकिन डिफरेंट एग्जामिनर उसको डिफरेंट तरीके से असेस कर रहे होते हैं। तो ये इसमें कोई बैड इंटेंशन वाली बात नहीं होती, ये हर एक अपने लेवल के हिसाब से उस तरह से कर रहा होता है। और दूसरी चीज ये कि जैसे उसमें जो स्टेशन हैं वो सबके लिए स्टैंडर्डाइज एग्जाम कहलाते हैं कि हर कैंडिडेट जो है वो एक ही तरह के स्टेशन से गुजरेगा। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग केसेस की तरह के किसी को बहुत मुश्किल केस आ गया, किसी को आसान केस आ गया। तो ये चीजें डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा होता है, अगर जो लॉन्ग केसेस के कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं लेकिन सारी दुनिया में अब इसी तरह के जो स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स है वो किया जाता है ताकि इसमें जो एग्जाम बेसिकली कैंडिडेट्स को भी बेनिफिट होता है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रिपेयर इट मोर थॉरली, इन स्टेशंस के लिए आपको बहुत ज्यादा थॉरली प्रिपरेशन की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू द केसेस विद जो है ये लॉन्ग केसेस। क्योंकि उसमें देखें अगर आपका 10 मिनट का, यूजुअली जो आप लॉन्ग केसेस में भी करते थे आपको 10 मिनट हिस्ट्री, 10 मिनट एग्जामिनेशन और बाकी कुछ टाइम इन्वेस्टिगेशन में आपका लगता था, मतलब ये आपका एक सपोज टाइम पीरियड था जिसमें आपने कंप्लीट करना होता था, तो वही टाइम पीरियड जो है वो आपको इन स्टेशंस में भी दिया जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टाइम शॉर्टेज होगी, आपने अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट इज अनदर स्किल, कि आपने उस टाइम पीरियड के दौरान में जो है वो इसमें उसको मैनेज करना है। जैसे हिस्ट्री टेकिंग है या एग्जामिनेशन स्किल है वो आपने उस टाइम पीरियड में करनी है, आपको पता होगा कि ये इतना टाइम है तो मैंने इसमें सारा कंप्लीट करना है। And at the same time, you have to be ready to interact with the examiner. ठीक है? तो I hope के अब इसमें सारों को ये basically ये वही pattern है जो कि MRCUG वगैरह में भी होता है। तो ये इसी तरह से जो है ये एक internationally acceptable method होगा। ठीक है? तो इसमें काफी फायदा candidates को हो सकता है जिन्होंने FCPS करने के बाद MRCUG करना है, definitely they will be more benefited. तो इसमें अब अगर हम आज स्टार्ट करें, इसका थोड़ा सा स्टार्ट लें या बेसिकली प्रैक्टिस करें, तो हु इज द प्रेजेंटर फॉर टुडेज सेशन? सॉरी मैम, तो आप थोड़ा बताएंगे कि मार्किंग की क्या, किस तरीके से होगी और शॉर्ट केस? देखो मार्किंग के बारे में अभी इतना मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि वहाँ जो लॉन्ग केस की मार्किंग होती थी वो तो जाहिर है अब लॉन्ग केसेस अगर रिप्लेस हो गए ये एक्सटेंडेड टॉक्स के साथ, अब एक्सटेंडेड टॉक्स ये वो हैं जिसमें टॉक्स वाला भी आपका सेक्शन कवर होना है और जिसमें आपका ये हिस्ट्री वाला भी सेक्शन कवर होना है। हाउ इज द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन? ये पहले जैसे तकरीबन 10 मार्क्स होते थे हर स्टेशन पे, तो ये उसी तरीके से ये होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आनी। तो सिर्फ ये है कि उसका टाइम पीरियड जैसे पहले 7 मिनट था तो अब ये 12 मिनट हो जाएगा,
तो उसमें आपने अगर दो मिनट से पहले आप के सिनेरियो पढ़ लेते हो तो यू कैन स्टार्ट योर स्किल राइट आफ्टर दैट. ये जरूरी नहीं है कि दो मिनट में आप स्किल पढ़ो और उसके बाद दस मिनट में आंसर करो. आप हो सकता है 30 सेकंड में भी उसको सब अंडरस्टैंड कर लो. इसी तरह से जैसे वो लेबर बोर्ड होता है या गायनी पोस्ट ऑफ आपने वार्ड में राउंड किया, ये मरीज आपको मिले कैसे मैनेज करना है, वही जो रूटीन की चीजें पहले भी आती रही. तो ये सारी चीजें तो मैडम मींस के बेल तो नहीं बजेगी ना 12 मिनट से पहले, मतलब वो 12 मिनट हमारे ही होंगे उसमें हमने सब चीजें कवर करनी है, ऐसे कह रहे हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली वो 12 मिनट आपके ही होंगे, यानी उसमें आपने सिनेरियो पढ़ने से लेके एग्जामिनर के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि हर स्टेशन पे एक एग्जामिनर बैठा हुआ है तो एग्जामिनर के साथ आपने इंटरेक्ट करना ही करना है. चाहे वो खाली आपको कोई केस हिस्ट्री दी हो कि ये मरीज आ गया इतने वीक्स पे आ गया, इसको ये प्रॉब्लम है, उसके बाद वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा. और हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन तक सारा आपको सिनेरियो दिया हो कि ये मरीज आ गया इतने वीक्स पे आ गया, ये उसको प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन पे, फंडर लाइट कोरेस्पॉन्डिंग टू जेस्टेशनल एज उसका प्रेजेंट लाए ये है, और इन्वेस्टिगेशन पे उसकी हिमोग्लोबिन आ गई फर्स्ट किया 7, और बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी हैं. अब आपने इसको मैनेज कैसे करना है, तो इस तरह के सिनेरियो भी आ सकते हैं. मतलब वो हिस्ट्री की चीज भी हो सकती है, वो हो सकता है हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन भी कवर हो गया हो सकता है हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन भी कवर हो गई हो, और हो सकता है हिस्ट्री बता के सिर्फ एग्जामिनेशन करना हो, या हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद सिर्फ इन्वेस्टिगेशन आपसे पूछनी हो और वो डिटेल में डिस्कशन हो इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा वो जो लॉन्ग केसेस हैं उनका ब्रेक डाउन करके. मैडम हिस्ट्री तो नहीं प्रेजेंट करनी होगी किसी स्टेशन पे जो हम जैसे लॉन्ग केस, हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं करनी होती, आपने हिस्ट्री लेनी होती है. क्योंकि देखो आपकी हिस्ट्री टेकिंग स्किल क्या है, पहले आप हिस्ट्री लेते थे और वो प्रेजेंट करते थे, आपने एक केस ए से लेके जी तक खत्म किया, आपने पूरा केस मैनेजमेंट उसकी बतानी है. अब ये चीजें आपकी डिफरेंट स्टेशन पे असेस होंगी, मतलब ये कि इसमें आपकी जो हिस्ट्री टेक, और हर कैंडिडेट ने वही स्टेशन करना है. यानी अगर कैंडिडेट ए स्टेशन वन से गुजरा, कैंडिडेट जो बी है वो भी स्टेशन वन से गुजरेगा, तो हिस्ट्री टेकिंग स्किल हर एक की उसी सिनेरियो के मुताबिक असेस हो रही है. ऐसा नहीं है कि किसी से हम कहें कि इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री लो और किसी को हम कहें कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की हिस्ट्री लो. सो दीज विल बी स्टैंडर्डाइज स्टेशन, जिसमें हर कैंडिडेट को एक ही तरह के स्टेशन से गुजरना पड़ रहा है, तो इसमें बड़ी अच्छी असेसमेंट हो जाती है. उनमें से हमें पढ़ना चाहिए या बस हम अपने केसेस प्रिपेयर करें? नहीं, अपने केसेस देखो, अपने कंट्री के केसेस जो है वो बेसिकली जो प्रेवलेंट डिजीजेस होती हैं हर कम्युनिटी की अपनी होती हैं, लेकिन डेफिनेटली फॉर प्रैक्टिस यू कैन स्टडी दोस बुक्स, क्योंकि उसी पैटर्न पे है ना, तो उसी पैटर्न पे जब है तो फिर आप उसी उसको पढ़ोगे, आपको हेल्प मिलेगी. मैडम आपको ये बताया कि कितने टोक्स के स्टेशन होंगे और कितने शॉर्ट केसेस होंगे, इनकी डिवीजन है जैसे 10 और 4 की डिवीजन है 14 में से, इस तरह की कुछ बात है या ये मिक्सअप ही है? नहीं नहीं, अभी ये बेसिकली इसमें हमेशा केस मिक्स होता है, यानी इसमें गायनी ऑप्स दोनों ही मिक्स होते हैं. तो अब जैसे इसमें जैसे IMM के एग्जाम देने वाले जो है वो तो जाहिर वो पार्ट टू उनका तो सिर्फ टोक्स का ही होता है, उसमें ये होता है कि 70% ऑप्स और बाकी 30% गायनी. लेकिन एक पार्ट टू का कैंडिडेट तो दोनों में उसकी स्किल अचीव हो चुकी होती है. सो प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर कि इसमें ये 70-30 वाली रेशो नहीं होगी, बट रादर इट विल बी इक्वल. इसी तरह से हम जो उसमें करते हैं, देखो जो हम MBBS के स्टूडेंट को असेस करते हैं या उनके जो टोक्स लेते हैं, उसमें से 15 में से 8 होते हैं ऑप्स के और बाकी 7 होते हैं गायनी के, इवन फॉर दोज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट. तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट फॉर, चूंकि ऑब्स्टेट्रिक्स ज्यादा कॉमनली डील करनी पड़ती है उसको, तो डेफिनेटली एक आध स्टेशन ऑब्स्टेट्रिक का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द गायनी. तो इसलिए जो है वो इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑरली इसमें, और इससे जो है वो आपकी स्टडी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि गायनी के ज्यादा होंगे, लेकिन ऑब्स्टेट्रिक्स के बेसिकली ज्यादा ही होते हैं, हमेशा एक आध केस ज्यादा होता है. और बाकी जो है कि कितने होंगे, अमूमन ये जो है वो तकरीबन उसकी रेंज मेरा ख्याल है 12 से 15 के दरमियान में. ठीक है,
maybe around 14 ke kareeb. मैम केस स्टार्ट करें ताकि थोड़ा सा आइडिया हो, हमारी प्रैक्टिस शुरू हो. हाँ चलें ठीक है. इसमें बेसिकली अब जो आपने आपने तो जाहिर है हिस्ट्री ली हुई होगी पहले से, तो अब हमें आप अगर ये बता दें कि ये केस आपका किस चीज का है, तो उसकी सिर्फ उसमें हम हिस्ट्री को एवेल्युएट कर लेते हैं उस तरीके से, ठीक है ना, कि ये आपका ये केस है, ये वाला बेसिकली उसका प्रॉब्लम ये है, तो फिर हम उससे हिस्ट्री की एवेल्युएशन कर लेंगे कि क्या आपने इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम था, तो आपने हिस्ट्री उसके साथ से प्रॉपर. हाँ जी हेलो. तो उस तरह से हम इसको फिर एवेल्युएशन कर लेते हैं. जी शुरू करें, किसने शुरू करना है? हाँ जी बताएं, आपकी आवाज इंटरप्ट कर रही है. हाँ जी बताएं. मैम मैंने ये कहना था मैम, जैसे हम लोग हर क्लास में वॉलंटियर ढूंढते हैं ना, और ये जो हमारा न्यू पैटर्न है इसके अकॉर्डिंगली मैम ये नहीं हो सकता कि आप हर मतलब क्लास में आप कह दें कि आज सीए सर्विक्स का है या आज सीए ओवरी है फॉर एग्जांपल, या फिर एचएमबी है या ऑब्स्टेट्रिक का पॉलीहाइड्रामनियोस, आप कहें कि ये टॉपिक है आप हिस्ट्री लें. आप दो तीन कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, दो को हिस्ट्री लें, दो लोग इन्वेस्टिगेशन मांगे और दो लोग मैनेजमेंट करें. मैम इस तरह हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, और एक दिन ब्रेकिंग बैड न्यूज हो, एक दिन हिस्ट्रेक्टमी की डिमांड हो, और वो हो क्या नाम है, हमें कमांड दी जाए, तो मैम ऐसे ज्यादा बेटर नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब तो इसी पैटर्न से एग्जाम होगा ना. हाँ ठीक है, वैसे तो ये एक अच्छी सजेशन है, यू कैन वे इट टू डॉक्टर अरूबा, तो आई थिंक शी विल मैनेज इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो उसमें ये हो सकता है कि हम पहले से टॉपिक कोई खुद से हम डिसाइड करके, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कवर होने हैं, क्योंकि आपका एग्जाम तो मई में है ना, तो काफी टाइम इसमें है अभी, तो वो टॉपिक चूज करके फिर आपको हम खुद दे दें कि ये लोग जो हैं, ये जो भी रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं इसके, ठीक है, ये लोग इस टॉपिक को तैयार करके ये इसकी हिस्ट्री लें, मतलब हिस्ट्री का पैटर्न ही हमने देखना है ना बेसिकली. तो कुछ जो दो लोग हों वो इसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कि अगर ये पेशेंट फर्ज किया इसका सिनेरियो ये है, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग के बाद तो फिर जाहिर सिनेरियो तो डिस्कस हो गया ना, फिर उसके बाद हम बाकी अगले दो से पूछेंगे इसमें एग्जामिनेशन आप क्या क्या कैसे कर रहे हैं. लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि हम इसमें जैसे आपने अगर एक बताया हमें हिस्ट्री का बताया, तो उसी में से हम जो है वो अगले कैंडिडेट से ये पूछ के कि अच्छा एग्जामिनेशन आप कैसे करोगे, और उसके एग्जामिनेशन में से कुछ चीजें जो है वो हम बता दें उसको कैंडिडेट को कि ये उसकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग ये थी. एग्जामिनेशन फाइंडिंग के बाद फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन किस पैटर्न पे चलेंगे, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि बिल्कुल एक नया पैटर्न है, जाहिर है आप लोग भी अभी उस तरह से फुली प्रिपेयर्ड उसमें होने में टाइम तो लगेगा, और जाहिर है हम अपनी टीचिंग को भी मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर योर नीड. क्योंकि देखो जो आप लोग हैं, आप अपने वीक पॉइंट्स को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, और इसके अलावा बेसिकली यू पीपल कैन गाइड अस कि हमें इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा. ठीक है, तो इसमें टाइम टू टाइम वी कैन मॉडिफाई द टेक्निक्स ऑफ आवर टीचिंग. तो ये जो भी आपके ज़हन में इस तरह की चीज आती है, प्लीज कन्वे इट टू डॉक्टर अरूबा. ठीक है, तो वो फिर इसको मॉडिफाई करना होगा, मैनेज करना होगा, वो कर लेंगे. मैम अब हमें जाना है वार्ड रूम में जाएं देखने के. देखो अब पेशेंट के साथ इंटरेक्शन मतलब के बस अभी तो एग्जाम में पेशेंट रियल देखो ये एक लाइव स्किल है जिसको आप एक रोल प्लेयर्स के ऊपर डेमोंस्ट्रेट कर रहे हो. लाइव स्किल जब तक आप अचीव नहीं करते, तो तब तक आप इसको डमी पे या रोल प्लेयर पे तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या उस पे तो डेमोंस्ट्रेट नहीं कर सकते. यू हैव टू अचीव दैट स्किल. मतलब फॉर 4 years यू हैव बीन डूइंग दिस, तो 4 years में जो आपने स्किल अचीव की, फाइनल प्रेपरेशन जब उसका टाइम आता है, तो डेफिनेटली आप पेशेंट डिफरेंट तरह के पेशेंट होते हैं, डिफरेंट तरह के सिनेरियोज होते हैं. अभी वही सिनेरियो जो है वो पहले तो ये था बिल्कुल एब्रप्टली आपको नहीं पता कि इसमें, बल्कि अब भी खैर उस पेशेंट का तो नहीं पता होता, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट जो वेराइटी के केसेस की ये होती थी. तो
इसी तरह से वही वाले केसेस उसी से मिलते जुलते कोई भी केस इस तरह से सिनेरियो में तो आ सकते हैं. सो यू नो द वेरिएशंस, यू नो हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू डील विद द वेरिएशंस इन द रूटीन स्टैंडर्ड केसेस. तो इसलिए जो है वो आपने उस तरह से, अब देखो उसमें लाइव सब्जेक्ट के ऊपर, पेशेंट के ऊपर आपकी एग्जामिनेशन टेक्निक जो है उसी तरीके से आपने बतानी है ऑन द डमी. और अगर आप सिर्फ खाली बुक से पढ़ लोगे कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऐसे करना है, तो अनलेस यू हैव डन इट ऑन अ पेशेंट यू कैन नॉट डेमोंस्ट्रेट इट कॉन्फिडेंटली. तो इसलिए उसमें किसी हद तक आपका पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन जरूरी है. जी मैम, और खास तौर पे जब आप बात भी करते हैं पेशेंट से, जब आप पेशेंट से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो यू विल नो द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द डॉक्टर्स फ्रॉम द पेशेंट साइड, के पेशेंट के क्या क्या सवाल होते हैं. जैसे ब्रेकिंग बैड न्यूज में तो बहुत सारे सवाल पेशेंट कर सकता है आपके पास, जो रोल प्लेयर है बेसिकली, वो बहुत सारे सवाल कर सकता है आपसे, एंड यू मस्ट नो हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस. इसी तरह से जैसे कंसेंट टेकिंग प्रोसेस है फॉर डिफिकल्ट सर्जरीज, आपने कंसेंट में क्या क्या चीजें कवर करनी है, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन एडिक्वेट कंसेंट टेकिंग. तो इसमें तो 101 ऐसे चीजें हैं, टॉपिक्स हैं जिसपे स्टेशन बन सकते हैं, जिन पे बात हो सकती है, जिसपे आप एग्जामिनर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ सकता है. मैम एक्चुअली मैम यही प्लीज मैं यही कहना चाह रही थी. फॉर एग्जांपल मैम जैसे ओवरी है, मैस जो एडनेक्सल मैस है, वो कभी स्टेज फोर में, कभी स्टेज थ्री में, और कभी बहुत डेफिनेट सा हमें मैस फील हो रहा होता है. बाज़ का हमें फाइब्रॉइड से उसे कंफ्यूज करते हैं. मैम मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमें ना, हम जब क्वेश्चन पूछते हैं लाइक वी आर स्टूडेंट्स, मतलब हम डायग्नोसिस तो बना लेते हैं, लेकिन फिर उसके लिए हम 10 से 15 मिनट लगाते हैं हिस्ट्री लेने के लिए, जो हर मतलब हम में से हर कोई ऐसे ही करता है, एग्जामिनेशन करता है. मैम जब हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ना, तो आप उनमें से जैसे डॉक्टर आशन तीफ ने भी लास्ट टाइम ना, 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो 3 मिनट में हमें डायग्नोसिस तक पहुंचा दें. आप हमें वो क्योंकि देखो जो एक स्किल्ड बंदा होता है ना, वो अपने जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को कभी देखो, या जो बिजी ओपीडीज में बैठे होते हैं उनको कभी देखो, वो 15-15 मिनट तो नहीं एक मरीज पे लगा रहे होते हैं. अब जो भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सिर्फ कुछ 2-4 सवाल भी पूछें तो उनको पता चल जाता है कि ये मरीज इस केस का है, ठीक है ना, इसमें ये वाला डायग्नोसिस बन रहा है. तो अमंग द डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपकी एक लिस्ट बन जाती है कि ये मेरे जेहन में ये चीजें आ रही है. मैस एब्डोमेन कैन बी फाइब्रॉइड, कैन बी ओवेरियन, दोनों चीजें हो सकती हैं ना. लेकिन वो फाइब्रॉइड है या ओवेरियन है, वो आपको 2-4 सवाल और पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा. यूजुअली मतलब उसमें अंदाजन तो पता चल ही जाता है कि ये ओवेरियन हो सकते हैं या फाइब्रॉइड हो सकते हैं. अब जो बाकी रेयर वेरिएशंस हैं, जो एक एक्सटेंडेड केस प्रेजेंटेशन से हट के जो चीजें होती हैं, वो जाहिर है उस तरह की रेयर चीजें अमूमन सिनेरियोस में जो स्टेशन होते हैं उन पर नहीं डाली जाती, नॉट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन जो आप रियल टाइम पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, उसमें बाद दफा कुछ रेयर वेरिएशंस आपके सामने आ जाते हैं. जैसे कोई फाइब्रॉइड है लेकिन उसमें हैवी ब्लीडिंग कोई नहीं है, बल्कि ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया भी हो सकता है, दैट इज अ रेयर वेरिएशन. तो इसी तरह से जैसे ओवेरियन है, ओवेरियन का जो मैस है वो आपको बिल्कुल सेंट्रल लगा एग्जामिनेशन पे, सेंट्रल लगा या उसमें दैट इज अटैच्ड विद द यूट्रस, या फिर उसके साथ कोई मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी व्हिच इज नॉट अ नॉर्म विद ओवेरियन ट्यूमर्स. तो इस तरह की जो रेयर वेरिएशंस होती हैं वो केस सिनेरियोस में नहीं डाली जाती. केस सिनेरियो को थोड़ा सा सिंपलीफाई ही रखा जाता है, बट एज पर स्टैंडर्ड ऑफ FCPS. अब डेफिनेटली स्टैंडर्ड जो आपका FCPS का स्टैंडर्ड है, या एक MCPS का, या IMM का स्टैंडर्ड है, और ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उन स्टैंडर्ड में फर्क होता है, डिफिकल्टी इंडेक्स में फर्क हो जाता है. तो इसीलिए जो है वो उसमें एक फायदा ये भी होता है कि जो आप एक्चुअली पेशेंट के साथ होते हो, आपको बार दफा डायग्नोसिस बनाना मुश्किल नजर आ रहा होता है, लेकिन जो केस सिनेरियो होता है उसमें अमूमन डायग्नोसिस मेकिंग में बहुत डिफिकल्टी नहीं होती इफ यू रीड द सिनेरियो थॉरली, ठीक है. तो इसलिए जो है वो इसमें थोड़ा सा बेनिफिट आपको इस एंड से ये मिल जाएगा इन इस पैटर्न के साथ. तो बहरहाल जो आपका सवाल था कि इसमें हम हिस्ट्री लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं, यूजुअली ये इस तरह का केस ऐसे स्टेशन पे नहीं होता, क्योंकि
केसेस या उनके साथ जो प्रॉब्लम एक अटैच किया जाता है वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही रखा जाता है, क्योंकि जैसे बार दफा पेशेंट आपके पास आ जाती है ग्रेविडा 10 पैरा 9 आपकी, तो उसको ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेने में ही कोई 5 मिनट लग जाएंगे, तो इस तरह की चीजें तो फिर डेफिनेटली वो नहीं, और उसमें उस टाइम 10 मिनट के हिसाब से ही उसको वो होगा, 10-12 मिनट के अंदर आपने उसको कवर करना, ठीक है। तो बहरहाल इट इज जस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये चीज सामने आ रही है, ये हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है, इट इज अ गुड मॉडिफिकेशन, तो इसके हिसाब से अब तैयारी आप लोगों ने करनी है, और उसमें डेफिनेटली हीट एंड ट्रायल वाली बात होगी कि आपने इसको जो है वो उसमें इसको ट्राई करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलो अब मेरा ख्याल है आज का कोई केस फिर हम डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने 1.5 घंटा तो सिर्फ पैटर्न पे ही लगा दिया, विच वॉज वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट टाइम के लिए ना मैडम, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। जी जी, एक मिनट हम के बाद सुन लेना जी मैडम, इनको आप टॉपिक दे दें एक नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि ये प्रिपेयर करके आए, कोई टॉपिक आप डिसाइड कर लें और पार्टिसिपेंट्स को बता दें, ताकि ये नेक्स्ट वीक जो है वो प्रेजेंट करें। ये मैं डॉक्टर अरूबा को कहूंगी, डॉक्टर अरूबा इसको मैनेज कर लें, व्हाट्सएप भी या टेलीग्राम भी, दोनों पे हम अपडेट कर देंगे। डॉक्टर अरूबा आपकी एक लिस्ट बना के टॉपिक्स की, हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने और कब कब कवर करने, ठीक है। जाहिर है ये सारे टॉपिक आप सारी एग्जामिनर के साथ करोगे, जो भी हमारे साथ तैयार करके लेके आए, और फिर कोई भी उनमें से किसी को भी कह दे, मैम इस तरह से कर लेंगे। हाँ, मतलब वो टॉपिक जो है वो बेसिकली पहले से पता हो बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी, ताकि वो सब लोग प्रेपरेशन करें। और उसमें देखो जब एक बंदा केस सुना रहा होता है या हिस्ट्री भी बता रहा होता है, तो बाकी जो ऑडियंस होते हैं उनका इनपुट भी बहुत जरूरी होता है। हो सकता है किसी के जेन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो उसको, एंड अब जाहिर है इसमें हम पिछली एग्जाम्पल्स पे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पिछली एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद अभी नहीं है, बट वी नो द पैटर्न ऑफ MRCUG। कम अज कम आप लोगों में से अगर किसी ने कोई MRCUG के अटेम्प्ट की हो, तो उसका थोड़ा सा पैटर्न तो पता होगा। तो anyway, इसको हम इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। Yes, ma'am, तो ये एक अच्छी सजेशन है कि हमें टॉपिक पहले से पता हो, उसके मुताबिक हम उसकी हिस्ट्री को एनालाइज करें कि हिस्ट्री लेने में ये चीजें पूछनी है, और उसमें ये चीजें क्या मिस हुई, या क्या एडिशनल फालतू चीजें क्या पूछी, और क्या चीजें मिस कर। मैम एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं, मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी मैम, आपको आवाज आ रही है मैम? जी जी मुझे आ रही है। मैम ये कहना था कि अगर रीजनल सेंटर्स में हमारे ही अपने जो भी मतलब APs हैं और सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो हमारे लिए एक अरेंज कर लें इस तरह के सिनेरियो, मतलब CPSP के रीजनल सेंटर्स में, ताकि मैम थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि हर तरह से डिफरेंट बातें सुनने में आ रही हैं, लेकिन ऐसे सच कंफर्म नहीं हो रहा कि किस तरह का पैटर्न। आप क्या बातें सुन रहे हो, फर्स्ट लेट मी नो द थिंग्स जो आप रूमर्स सुन रहे हैं। मैम जैसे ना अभी डिफरेंट जो JPMC वगैरह में जो कराची में वो हुए ना, उधर तो पूरा केस ही फिर से लेकिन शॉर्ट टाइम में डिस्कस हो रहा है, जैसे हिस्ट्री सिर्फ नहीं लेनी, एग्जामिनेशन वो बता देंगे, लेकिन मैनेजमेंट के उस पे जो है वो सारा, मतलब हमने सारी इन्वेस्टिगेशन लेनी है, फिर सारी ठीक है, वही तो हम बात कर रहे हैं ना। देखो अब पूरे केस डिस्कशन उस स्टेशन पे आएगी जहाँ सिर्फ आपसे मैनेजमेंट पूछी जानी है, यानी आउट ऑफ दिस 4 components ऑफ योर लॉन्ग केस आपसे सिर्फ मैनेजमेंट पूछी जाएगी। और उससे पहले आपने, आपको हिस्ट्री का सिनेरियो दे दिया, आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग बता दी, आपको इन्वेस्टिगेशन भी बता दी, फिर आपने मैनेजमेंट बतानी है। तो क्योंकि देखो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल टू बी कवर्ड इन जस्ट 12 मिनट्स, आई थिंक इट इज 12 मिनट्स, क्योंकि यूजुअली जो पैटर्न होता है जो जहाँ पे भी जो एक्सरसाइजेज हुई हैं या वर्कशॉप्स हुई हैं, वो 12 मिनट्स ईच स्टेशन ही है। तो 12 मिनट्स में हाउ यू कैन कवर द होल केस, जो लॉन्ग केस है, शॉर्ट, ये बेसिकली शॉर्ट केसेस होते हैं, जैसे आप सर्जरी वालों का देख लो, उनमें शॉर्ट केसेस होते हैं, मेडिसिन में देख लो, मेडिसिन के एग्जाम में शॉर्ट केसेस होते हैं, और शॉर्ट केसेस में क्या होते हैं कि पेशेंट लेटा हुआ है, इस पे मुझे CNS एग्जामिन करके दिखाएं, ठीक है ना। शॉर्ट केसेस इस तरह के, CNS एग्जामिन किया, उसके बाद हो सकता है उससे रिलेटेड सिर्फ एक आध क्वेश्चन हो कि अब ये आपने एग्जामिन कर लिया, तो आप इसमें इस पे सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी,
लाइक दिस शॉर्ट केसेस. अब जो सर्जरी और मेडिसिन के हैं वो 15-15 मिनट के होते हैं, तो उसी तरह के शॉर्ट केसेस अब इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं. बट दीज शॉर्ट केसेस विल बी पार्ट ऑफ दोज टॉक्स, यानी वो उन टॉक्स स्टेशन के ऊपर वो कवर किए जाएंगे. जबकि ये जो शॉर्ट केसेस मेडिसिन सर्जरी में होते हैं वो बेड साइड है, जैसे हम लॉन्ग केसेस बेड साइड पे लेते हैं, इसी तरह शॉर्ट केसेस उनके बेड साइड पे हैं. लेकिन यहाँ पे ये टॉक्स स्टेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट होंगे. बट योर सजेशन इज अगेन वैलिड, इसमें कहीं पे किसी लेवल पे सीपीएसपी के लेवल पे ये अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए एटलीस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द कैंडिडेट्स के इसमें बेसिकली पैटर्न का एक फॉर्मेट क्या होगा, तो ये डेफिनेटली एक चीज ऐसी है जो उन तक कन्वे हो सकती. डॉक्टर शहनाज, जिनके अगर काफी लड़कियों के टॉक्स क्लियर हैं तो उनके लिए अभी तो ये कहा गया है कि नल एंड वॉइड कर रहे हैं और कंबाइन एक ही दिन पे होंगे. दूसरी बात ये पूछनी थी, जिनका जिनका सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि काफी लड़कियों के ये भी कहने का है कि हम लोगों का लास्ट अटेम्प्ट, तो हम लोग क्या करें अब, तो उनके लिए सीपीएसपी वालों ने कुछ सोचा है या कुछ ये रूमर्स आ रहे हैं कि जो लॉन्ग केस के पैटर्न के ऊपर थी तो उनको लॉन्ग केस के ही हिसाब से चला जाएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि मिसबा ने भी अभी यही बात की कि मैडम हमारे पास काफी रूमर्स हैं, तो मैं इसको यही रूमर्स के हिसाब से आपको पूछना चाह रही हूँ. देखो इसमें रूमर्स होते हैं जिनके जिनकी कोई जिसके पीछे कोई ऑथेंटिसिटी तो नहीं है, लेकिन क्या किसी ने सीपीएसपी जाके उनसे ये चीजें कन्फर्म की? सबसे पहले तो उनसे उनके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से जाके पूछने वाली बात है, या कम से कम आप लोग ऑनलाइन भी उनसे ये पूछ सकते हो कि इसमें ये सिनेरियोज हैं कि किसी का टॉक्स क्लियर है, किसी की लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनके साथ क्या होगा? अगर तो फर्ज किया किसी की फर्स्ट अटेम्प्ट थी और उसके टॉक्स क्लियर थे तो वो तो डेफिनेटली इस नए फॉर्मेट में एंटर हो जाएगा. लेकिन अगर किसी की लास्ट अटेम्प्ट है और उसके पहले टॉक्स क्लियर हैं तो उसके साथ जो है वो कैसे डील किया जाएगा? ये तो वो पॉलिसी मैटर्स हैं जो सिर्फ सीपीएसपी वाले ही अभी बता सकते हैं. अभी हमें कंफर्म किसका नहीं पता, बट आई विल आल्सो ट्राई टू मतलब इसमें देखती हूँ मैं कि इसमें क्या कन्फर्म्ड न्यूज क्या है. तो लेकिन यह कि आप लोग अपने लेवल पे भी सीपीएसपी से इंटरेक्ट करके उनसे ये पूछो, ठीक है? तो जैसे ही मुझे ये पता चलेगा इसके बारे में तो आई विल लेट यू ऑल नो कि इसमें क्या क्या कैसे करते. अस्सलाम वालेकुम मैडम. मैडम ये जो अभी कोर्स हुआ था सीएमएच में, वहाँ पे डॉक्टर तैयब भी थे और डॉक्टर गई, तो वहाँ पे किसी ने पूछा था यही सेम, जिनकी थर्ड अटेम्प्ट थी ना, तो उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि आपने जो प्रीवियस जो एग्जाम था ये 3 times ना डिस्कशन हुई है सेपरेटली सबसे ना, तो उन्होंने यही सब रिस्पॉन्स दिया था कि देखिये आपने जो एग्जाम दिया उसमें आपका क्लिनिक में पास नहीं है, सिंस आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया तो आपने उसी में अपीयर होना है. अच्छा तो बस ठीक है, फिर तो क्लियर हो गया कि इवन जिनकी लास्ट अटेम्प्ट भी थी वो भी इस नए फॉर्मेट के हिसाब से अपीयर होंगे. जी एंड सेकंडली डॉक्टर तैयब इज अ काउंसलर एंड ही नोस कंफर्म, उसको तो उनको तो कंफर्म न्यूज फिर पता है, ठीक है? तो इस ये जो है ये फिर अगर उन्होंने ये बता दिया बहुत क्लियरली तो इट इज वेरी क्लियर, फिर इसमें रूमर्स वाली बात नहीं कि एवरीवन हैज टू अपीयर द न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम. जी मैडम, हर एक ने फिर नए तरीके से नए वाले एग्जाम जो है वो उसने उसके साथ ही अपीयर होना. जी एंड जी मैडम वो कह रही थी कि अटेम्प्ट्स के वही रूल रहेगा जो टिल जब तक न्यू पॉलिसीज नहीं आ जाती, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर किसी का हो, क्योंकि ये तो देखो एक फिर हमें कंफर्म न्यूज पता चल गई, लेकिन अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो तो वो भी काउंसलर से, मतलब जो ओबीजीवाई के काउंसलर वो है हमारे, और उसके अलावा जो है जो सीपीएसपी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वहां से भी आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो चलें, अब मेरा ख्याल है घंटा तो हमारा गुजर गया इस डिस्कशन में ही, अब हम
डिस्कस कर लें या छोड़ या नेक्स्ट टाइम के लिए टॉपिक वाइज ही इसको करें। हेलो जी, बंद कर दीजिए मैडम। एक छोटा सा केस कर लेते हैं। हाँ जी बताएं, किसने प्रेजेंट करना है, टॉपिक क्या है? हेलो जी, कोई केस प्रेजेंट कर रहे हैं क्या? अब हम डिस्कशन क्लोज कर दें। मैडम हम एक सिनेरियो दे दें किसी भी टॉपिक पे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम। अच्छा, मैं तो टॉपिक में आप कर रही हूं कि शायद आप लोगों ने कोई टॉपिक बताया है। चलो ठीक है, इसमें डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। आप लोग सोच रहे हो कि डायबिटीज मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, ऐसा नहीं। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी की हिस्ट्री आपने, पेशेंट इज एट 36 वीक्स, टाइमी ग्रेविडा 32 वीक्स, एंड नाउ शी हैज came to know about her impaired blood sugar level. She has come to you for antenatal visit. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अफशीन है, मेरा गायनी के शोबे से ताल्लुक है, मैंने आपसे चंद सवाल आद करने हैं। आपको शुगर का मसला कब से, आपको कब से पता चला कि आपकी शुगर खराब आई है? तीन महीने से। अच्छा, इससे पहले आपको कभी, आपने हमल से पहले आप अपनी शुगर चेक करवाई थी? हाँ जी करवाई थी। उस वक्त क्या लेवल आए थे आपके? हमल से पहले करवाई थी, पिछले बच्चे के बाद तो ठीक आई थी। वैसे पिछले बच्चे में भी हमल ग्रेविडा बोल दिया ना मैडम ने, प्राइमरी ग्रेविडा बताया पेशेंट। ठीक है, हमल से पहले भी करवाई थी। अच्छा, और पहले 3 महीने के अंदर आपका टेस्ट हुआ था शुगर का? हाँ जी हुआ था। ठीक है, उसमें आपने कौन सी शुगर पी के जो टेस्ट होता है वो वाला करवाया था या दूसरा टेस्ट करवाया था? शुगर पिला के टेस्ट करवाया था। वो बिल्कुल ठीक आया था, डॉक्टर को चेक करवाया था? हाँ जी बिल्कुल ठीक आया था। अच्छा, अब डॉक्टर ने आप दोबारा आपकी शुगर क्यों चेक करवाई है, क्या मसला हुआ था? मुझे ना मुझे अपना पेट ज्यादा बड़ा वह महसूस हो रहा था इसलिए। अच्छा ठीक है, आपके ये कब से महसूस हो रहा था आपका पेट जो बड़ा हुआ है? 3 महीने के लिहाज से ज्यादा बड़ा हुआ कब से महसूस हो रहा था आपको? 3 महीने से। ठीक है, अब डॉक्टर ने आपको कोई दवाइयां वगैरह दी हैं इसके लिए, कोई बताया है, कोई आपको इलाज कोई बताया है, परहेज बताया है, खुराक का परहेज बताया है? हाँ, उन्होंने ये कहा कि बस मीठा बंद कर दो और जो घर में 6 दफा शुगर चेक करो और एक्सरसाइज करो और ग्लूकोफेज शुरू करा दी है बस। वो कितनी दफा ले रही हैं आप? वो मैं एक गोली लेती हूँ दिन में 3 दफा। दिन में 3 दफा, और उसके साथ अब अपने लेवल भी मॉनिटर करती हैं? वो डॉक्टर ने आपको ग्लूकोमीटर दिया है, उसका सारा तरीका बताया, समझाया कैसे चेक करनी है शुगर आपने? हाँ जी बिल्कुल सारा बताया, और उन्होंने, मैं हर हफ्ते जाके चेक करवाती हूँ आउटडोर में, बस बच्चे का पानी। ठीक है, तो इसके और डॉक्टर साहिबा ने आपके और टेस्ट करवाए हैं इसके, अब तक आपके कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं और उसके मुताबिक और कुछ बताया उन्होंने आपको? बच्चे की, बच्चा ठीक है, बच्चे की ग्रोथ वगैरह ठीक है? मैं बकायदा से आउटडोर में जाती हूं, पानी का मसला ज्यादा है, इसके अलावा कुछ और मसला बताया उन्होंने? बस बच्चे के गिर पानी ज्यादा बताया, उन्होंने कहा शुगर ठीक होगी तो पानी भी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब आप कितने दिनों से ये ले रही हैं अपनी गोली, कब से ले रही हैं और खुराक का परहेज कैसे कर रही हैं, उससे कोई लेवल आपके कंट्रोल हुए हैं? हाँ जी बेहतर होने शुरू हो गए हैं, बस खाली पेट ज्यादा आती है। अच्छा, कितनी आती है खाली पेट आपके अब आखिरी दफा तो, कितनी है? हाँ आज मैंने चेक किया तो आज 172 आई है खाली पेट। अच्छा, तो आप नाश्ते में क्या ले रही हैं? नाश्ते में मैं बस वही जो डॉक्टर ने मुझे बताया है, 2 स्लाइस लेने हैं, साथ एक चाय का कप लेना है बगैर चीनी के बस। ठीक है, और दोपहर का खाना और रात का खाना भी आप डॉक्टर की जो एडवाइस दी है उसके मुताबिक इस्तेमाल कर रही हैं? जी मुझे चार्ट दिया था, तो मैं चार्ट के मुताबिक ले रही हूं। अच्छा, आपको शुगर वाले डॉक्टर से चेक करवाया उन्होंने, शुगर सेंटर से? हाँ जी चेक करवाया था, भेजा था, मैं गई थी उनके पास, तो उन्होंने कहा था बस यही चार्ट को फॉलो करो और ग्लूकोज भी मुझे शुरू करवाई थी।
अच्छा अच्छा अब आपको तकरीबन आपने कहा 2 हफ्ते हो गए ना ग्लूकोफेज इस्तेमाल करते हुए? हाँ जी 2 हफ्ते हो गए। ठीक है, लेकिन अभी भी आपकी शुगर बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब आपको अब हम इंसुलिन शुरू करवाएंगे और उसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी। पहले हम आपको अस्पताल में दाखिल करेंगे, दाखिल करके आपके लेवल्स मॉनिटर करने के साथ साथ जो आप इंसुलिन आपको शुरू कराएंगे साथ में ही, उसके बारे में मैं आपको साथ ही बता दूंगी कि वो आपको भी इस्तेमाल करना सिखा देंगे। और इसके अलावा आपको ये कि आप अपनी खुराक का बहुत ज्यादा परहेज आपने करना है, आपके बच्चे की आपको अस्पताल में दाखिल करके आपके एक मजीद कुछ जी मुझे दाखिल रखेंगे कितने दिन? देखें जब तक आपके शुगर लेवल, वो तो डिपेंड करता है, आपके शुगर लेवल थोड़े से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे ना जब हम इंसुलिन शुरू कराएंगे, तो फिर उसके मुताबिक ही आपको रखना पड़ेगा अस्पताल में दाखिल। थोड़े से बेहतर होंगे, जब हमें लगेगा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन वो इंसुलिन आपको घर जाके भी लगानी पड़ेगी, उसका तरीका हम सारा आपको समझाएंगे। तो मेरी डिलीवरी वक्त से पहले कर देंगे? नहीं नहीं, हम आपकी डिलीवरी वक्त से पहले नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपकी डिलीवरी हम टाइम पे जाके करें, मतलब 37 हफ्तों के बाद करें, खुदा ना खास्ता उस दौरान कोई मसला ना हो, हम आपके और आपके और आपके बच्चे की मॉनिटरिंग करेंगे, आपके शुगर लेवल कंट्रोल करेंगे, उससे आपके पानी में भी बेहतरी आ सकती, पानी भी आपका बेहतर हो जाएगा जब बच्चे के इर्द गिर्द ज्यादा है, और आपके बाकी भी मसले थोड़े बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे बच्चे को इसके अलावा और क्या मसला हो सकता है डॉक्टर साहब? आपने कहा कि मेरे बच्चे के गिर पानी है, वो तो मेरा ठीक नहीं हो रहा, लगे मैंने ग्लूकोफिज भी खानी शुरू कर दिया, आप मुझे इंसुलिन भी शुरू करने लगे हैं, तो मेरे बच्चे को इसके अलावा और क्या मसला हो सकता है? देखिए आप ग्लूकोफिज के साथ आपके लेवल्स कंट्रोल नहीं हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन शुरू करानी पड़ेगी। इसके लिए जो शुगर है, शुगर माँ के ऊपर भी असर कर सकती है, बच्चे के ऊपर भी असर कर सकती है, आपके बच्चे का साइज बड़ा हो सकता है, और दूसरा यह है कि आप खुदा ना खास्ता आपके बच्चे की पेट पे डेथ भी हो सकती है, और जो अगर पानी जो इर्द गिर्द ज्यादा है, इसकी वजह से आपको वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं, आपकी औल फट सकती है, और बच्चे को पैदाइश के बाद नर्सरी में रखना पड़ सकता है, और पैदाइश के बाद भी बच्चे के अंदर शुगर की कमी की वजह से मसले मसाइल हो सकते हैं ये, लेकिन हम आपकी जब शुगर कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, तो आप कहेंगे कि वक्त से पहले डिलीवरी नहीं करेंगे, तो आप कह रही हैं ये सारे मसले भी हो सकते हैं, तो फिर इसके बावजूद वक्त से पहले डिलीवरी नहीं करेंगे? नहीं नहीं, देखें इसलिए नहीं करेंगे कि हम आपको दाखिल कर रहे हैं, दाखिल करके हम आपको इंसुलिन का टीका लगाएंगे, उससे आपकी शुगर बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जब आपकी शुगर बेहतर होना शुरू हो जाएगी तो आपके बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी ज्यादा हुआ है उसकी मिकदार भी कम हो जाएगी, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल की तरफ लाने की हम कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि इन सारे मसले मसाइल के बावजूद हम रिस्क पे रख के आपकी टाइम को प्रोलॉन्ग करेंगे डिलीवरी के, लेकिन अभी देखें बच्चा सिर्फ आपका 32 हफ्तों पे है, 32 हफ्ते के बच्चे के फेफड़े मजबूत नहीं होते हैं, इस वक्त हम आपकी डिलीवरी नहीं करा सकते, जो शुगर के बच्चे, शुगर के मरीजों के जो बच्चे होते हैं उनके तो फेफड़े मजीद कमजोर होते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि डिलीवरी के बाद भी मेरी शुगर रहेगी ऐसी? डिलीवरी के बाद हम आपकी मॉनिटर करेंगे, 50% चांस है कि आपको शुगर रह सकती है और 50% चांस है कि आपको शुगर नहीं हो सकती, उसके लिए हम आपका 6 से 12 हफ्ते पे हम दोबारा आपका टेस्ट कराएंगे, वो टेस्ट आप खाली पेट भी अपनी शुगर चेक करा सकती हैं, और एक HbA1c के नाम से टेस्ट आता है, वो टेस्ट हम करवा के देखेंगे, अगर वो नॉर्मल आ गया तो इसका मतलब आपको सिर्फ हमल में शुगर हुई है, और अगर वो नॉर्मल आ गया तो उसके बाद हो सकता है कि आपको शुगर हो, लेकिन वो 50% मरीजों में चांस होता है, हर मरीज में चांस नहीं होता कि उसे परमानेंट शुगर रहेगी। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, और इंसुलिन के लिए फिर मैं अब कब दाखिल हो जाऊं? आप अभी मैं अपने घर वालों को बता के आ जाएंगे, क्योंकि आपकी शुगर बहुत ज्यादा है ना, 172 है, हमें आते ही आपकी इंसुलिन शुरू करेंगे। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। गुड काउंसलिंग, आई एम सेटिस्फाइड। अब मैडम बताएंगी फाइनल। मैडम आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, आपका माइक अनम्यूट होने वाला है। मैडम नीचे बॉटम में ऑप्शन आ रही होगी, स्क्रीन पे क्लिक करेंगी ना? नहीं नहीं, वो म्यूट को मैं दबा तो रही हूँ। ठीक है, हो गया, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। अच्छा चलो ठीक है जी। डॉक्टर आयशा और डॉक्टर अफशीन, इनके इंटरेक्शन में जो इन्होंने इंटरेक्ट किया, वन वॉज द डॉक्टर एंड वन वॉज द रोल प्लेयर, इसमें बुनियादी गलती क्या थी अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो गिवन बाय मी? एनीवन ऑफ द ऑडियंस
मैम फोकस हिस्ट्री लेके आपके पास आना था और जो है ना समराइज करके और फर्दर आप इसको इन्वेस्टिगेशन वो आप ही मेरे सामने हिस्ट्री लेनी थी, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया. और मैंने जो सिनेरियो दिया था बेसिकली दे टोटली डिविएटेड फ्रॉम द सिनेरियो एंड दे टोटली डिविएटेड फ्रॉम व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड एट दैट स्टेशन. क्योंकि ये प्राइमिंग ग्रेविडा थी 32 वीक्स पे और उसको अभी पता चला है उसकी डायबिटीज का. And now she has to, the doctor has to take history from the role player. अब ये history क्या इसमें सारी की सारी management देखें उन्होंने बात पहुंचा दी. तो इसमें सिर्फ जो history taking skill होती है ऐसे patient की वो हमने देखनी होती. तो इसमें basically ये counseling station बन गया as compared to history taking station. क्योंकि जो काउंसलिंग स्टेशन है होता है ना वो उसमें उसका सिनेरियो ये होगा कि ये प्राइमरी ग्रेविडा है 32 वीक्स पे है. शी हैज जस्ट केम टू नो अबाउट हर हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज फेसेस. नाउ द पेशेंट इज विद यू एंड शी विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दैट. कि काउंसलिंग स्टेशन है कि पेशेंट को आपने उसके बारे में बताना है, ऑनवर्ड केयर है, क्या चलेगा ये सारा. तो ये काउंसलिंग स्टेशन में जो रोल प्लेयर है वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहा होता है और आप उनको आंसर कर रहे होते हैं. In the history taking station, which was being asked primarily, उसमें ये है कि patient की आपने सारी history लेनी है जो moment आप patient से ले रहे होते हो. ठीक है ना, short case अगर फर्ज किया ये short case है और मैं कहती हूँ कि ये primary gravidae 32 weeks पे diabetes के साथ आई है, इसको इस मरीज को जो है वो उसकी management discuss करें मेरे से. अब definitely जो खाली इस एक चीज पे तो आप एक इस पे के प्राइमरी ग्रेविडा 32 वीक्स पर ब्लड शुगर लेवल्स हैं इस पे तो आप मैनेजमेंट नहीं डिस्कस कर सकते अनलेस के आप उससे थोड़े से लीडिंग क्वेश्चन दो तीन पूछ लें कि उसके ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं या उसके अलावा उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स पे कोई फीटल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई. योर मैनेजमेंट विल बी बेस्ड ऑन दैट कि ब्लड शुगर लेवल कितने थे, कोई maternal fetal complication hai ya nahi, because primarily you can start either with the conservative management like diet and exercise ya phir ho sakta hai initially right from the beginning along with all these things you have to put the patient on insulin to wo to us pe base karega usme to ye cheeze theek hain lekin agar ye exclusively history taking station hai to aapne us tak hi rehna hai to isme आपने रोल प्लेयर से जो डॉक्टर था उसने रोल प्लेयर से सिर्फ हिस्ट्री पूछनी है. अगर सिनेरियो में सिर्फ प्राइमरी ग्रेविडा 32 वीक्स दिया हुआ है तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट फ्रॉम द एज इंट्रोडक्शन और सारी चीजें जो एक हिस्ट्री टेकिंग से पहले आप आमतौर पे लॉन्ग केसेस में करते भी हो तो वो सारी चीजें कर करा के फिर आपने पेशेंट की एज उसका उसकी थोड़ा सा बायोडाटा आपको पता होना चाहिए. और फिर उसके अलावा स्टार्ट होगा ना कि आप कंसीव कैसे, मैम ये तो कंसेप्शन से स्टार्ट होगा ना कि आपका एल्डरली प्राइमरी भी हो सकती है और ये हो सकता है बड़ी लंबी इनफर्टिलिटी के बाद इसने कंसीव किया हो, ये दोनों चीजें हो सकती हैं. सो दीज आर इंपॉर्टेंट टू आस्क इन हिस्ट्री. तो आपने उससे हिस्ट्री लेनी है कोई भी पेशेंट हो, ये तो एक डायबिटीज का मैंने सिनेरियो एक छोटा सा दे दिया लेकिन कोई भी चीज हो आपने पेशेंट के अगर सिर्फ वो हिस्ट्री टेकिंग स्किल आपकी चेक होनी है तो हिस्ट्री टेकिंग स्किल में ये चीजें आती हैं और 10 मिनट मोर देन अनफ टू टेक हिस्ट्री फ्रॉम अ प्राइमरी ग्रेविडा. फिर हमें फर्स्ट किया ये पेशेंट कहती है कि मेरा अभी पता चला है तो यूजुअली अब हम एज्यूम तो कर सकते हैं कि ये हो सकता है जेस्टेशनली हो बट स्टिल सम टाइम इफ द पेशेंट इज टोटली एसिम्प्टोमेटिक डिस्पाइट नोइंग के उसमें उसका हाइपरग्लाइसीमिया आ गया क्योंकि उसने अब चेक कराया तो पता चला और अगर उसको सिम्टम है तो वेल एंड गुड दैट विल लीड यू टू द डायग्नोसिस ऑफ जेस्टेशनल और टाइप 2 डायबिटीज. डिफरेंशिएट आप कर सकते हो बाय आस्किंग द प्रीवियस सिम्टम. लेकिन कुछ पेशेंट डायबिटीज होने के बावजूद ये सिम्टोमेटिक भी होते हैं तो पेशेंट के सिम्टम अगर इस वक्त भी नहीं है इट इज रादर डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन जेस्टेशनल एंड टाइप 2 डायबिटीज. तो उस सूरत में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. आप उस सूरत में उससे पूछ सकते हो प्रीवियस उसकी एंटीनेटल विजिट, प्रीवियस उसको डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी, प्रीवियस उसके टेस्ट क्या हुए, प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या लेती रही और इसके अलावा प्री प्रेगनेंसी उसके कोई इशू थे या नहीं थे, उस पेशेंट का जो है वो जनरली आपने वेट गेन से रिलेटेड ये सब चीजें यू हैव टू आस्क ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट प्रॉब्लम. क्योंकि जब एक प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आता है आपने प्रेगनेंसी की तो हिस्ट्री लेनी ही लेनी है
प्लैंड अनप्लैंड कंसेप्शन, मैरिड फॉर हाउ मेनी इयर्स, और उसके बाद उसमें कोई इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट तो नहीं है, पेशेंट की एज कितनी है, एल्डरली प्राइमरी एक और रिस्क फैक्टर एडिशनल बन जाता है इसमें, और फिर उसके अलावा उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा गुजरा है, ये तो है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है. देन यू हैव टू आस्क अबाउट द डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, चाहे वो डायबिटीज हो, एनीमिया हो या हाइपरटेंशन हो, और डिटेल्स में उसके सिम्टम्स आप पूछते हो. डिटेल्स में आप ये पूछते हो कि प्रीवियस ट्रीटमेंट उससे रिलेटेड, प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन उससे रिलेटेड, और फिर उसके अलावा सिम्टम्स के अलावा उसकी उससे उस डिजीज की वजह से कोई मैटरनल फीटल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई. मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में डेफिनेटली रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके जो है बाकी फीटल इफेक्ट्स में मैक्रोसोमिया हो सकता है, पॉलीहाइड्रामनियोज हो सकता है. तो पेशेंट आपको उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बता देगा कि जो ओवर डिस्टेंशन से रिलेटेड है, एब्डोमिनल ओवर डिस्टेंशन से रिलेटेड कुछ बता देगा. तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपने पेशेंट से उसके बारे में पूछनी है, और फिर आप उसके लेवल्स, अगर वो पेशेंट हो सकता है आपको बता दे कि ये लेवल्स जो हैं मेरे आज इतने लेवल्स आए. प्लीज माइक ऑफ, डॉक्टर तायरा माइक ऑफ कर दीजिए, आपको तरफ से थोड़ी इंटरप्शन. तो ये सारी चीजें हैं जो आपने हिस्ट्री में पूछनी होती हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री जो है वो दैट विल बी अनदर एडिशनल रिस्क फैक्टर. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें हिस्ट्री टेकिंग में होगी. आप हिस्ट्री टेकिंग की बाउंड्री से निकल के फिर उसमें सारा मैनेजमेंट की तरफ चले गए, because that was being converted into counseling station. ठीक है, तो आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी. थोड़ा सा इसमें कुछ मैम अगर सिनेरियो अगर बिल्कुल सेम होता और मल्टी ग्रेविडा पेशेंट होती तो वो भी हम उसमें भी हम हिस्ट्री ही लेते ना. बिल्कुल, उसमें तो देखो पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में तो आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड इवेंट्स पूछने, आप इनिशियली फर्स्ट किया ये ग्रेविडा 5 है, पैरा 4 है, तो आप उसमें तो लाइव चिल्ड्रन भी पूछने होते हैं, लास्ट बॉर्न चाइल्ड भी पूछना होता है, मोड ऑफ डिलीवरी भी पूछना होता है, बच्चों का वजन बर्थ वेट कितना था वो भी पूछना होता है, और अगर वेजाइनल डिलीवरी थी, कोई डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी तो नहीं थी, वो भी पूछना होता है, और अगर लार्जर फॉर डेड बेबी है एंड बॉर्न वेजाइनली, कोई शोल्डर डिस्प्लेसिया तो नहीं हुआ. लेकिन ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री आप एक एक बच्चे की अलहदा अलहदा से नहीं पूछते, बस आप कलेक्टिवली पूछ लेते हो कि क्या सारे बच्चे पूरे दिनों पे हुए, कोई प्रेगनेंसी के दौरान में मसला तो नहीं हुआ. आप डायबिटीज इस तरह की जो है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू नो द जेस्टेशनल डायबिटीज इन द प्रीवियस प्रेगनेंसीज, वो पेशेंट आपको बता देगा कि हुआ था या नहीं हुआ था, और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट उसने ली या ना ली या सिर्फ डाइट कंट्रोल से ठीक हो गया, दैट विल जस्ट टेक 1 मिनट. और फिर सारे बच्चों की बर्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, और उसके बाद ऑल आर अलाइव एंड हेल्दी एंड ब्रेस्ट फेड, बस कलेक्टिवली फिर आप इसमें इस तरह से पूछ सकते हो. तो लेकिन ये कि आपने उसमें फिर पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी पूछनी होती है, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस तो नहीं मार्क की हुई, आप उसमें ये है कि आप इस पेशेंट की हिस्ट्री लें, टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट, अगर सिर्फ ये हिस्ट्री टेकिंग का स्टेशन है. तो हिस्ट्री में ये सारे डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ हिस्ट्री हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ सा बायो डेटा, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस ब्रीफली, नॉट आस्किंग द डिटेल्स एंड इररेलेवेंट क्वेश्चंस. तो हमारा मकसद ये है कि इररेलेवेंट क्वेश्चंस को हम इसमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, विच क्वेश्चंस वी आस्क एंड विच नॉट, तो इसमें ताकि हम उस टाइम मैम इस सिनेरियो में जो आपने रिपोर्ट बताई थी उसमें इंपेयर्ड लेवल्स थे ग्लूकोज के. हाँ, इंपेयर्ड लेवल मैंने कहा था. अब इंपेयर्ड लेवल से जो चीज है वो जाहिर है एक अब किस टेस्ट से चेक हुआ वो, अब ये था एक बहुत वेक सिनेरियो, जो एक बहुत ब्रीफ सा वेक सा सिनेरियो था, हमें नहीं पता वो किस टेस्ट से चेक हुआ, कब चेक हुआ, इंपेयर्ड लेवल मरीज को पता है या नहीं पता, वो किसी डॉक्टर ने अभी तक चेक किए या नहीं किए, और उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट एडवाइस की या नहीं की. ठीक है, तो ये वाली वो सारी चीज है जो कि इसमें, लेकिन जाहिर है जो आपका स्किल स्टेशन होगा इसमें थोड़ा सा मजीद डिटेल हमेशा एडिट होती है. यानी हिस्ट्री टेकिंग में तो हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है ना हो, क्योंकि वो ये चीजें फिर देखना इसमें असेस करनी होती है कि इस ब्रीफ सी चीज के साथ आप क्या क्या चीजें उसमें और एक्सप्लोर करना चाहते हो टू रीच एट अ कंक्लूजन.
मैडम मैंने ये सिनेरियो दे दिया कि प्राइमरी ग्रेविडा है 32 वीक्स पे है, हाइपरग्लाइसीमिया डिटेक्ट हो गया अभी, तो इसकी आप हिस्ट्री लें, तो हिस्ट्री में जाहिर है कि सारी चीजें चेक होंगी ना, कि इसमें इस पेशेंट का स्टार्ट करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नौरीन है, मैं आज आपसे आपकी बीमारी में बीमारी के बारे में कुछ सवाल करूंगी। आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ से आई हैं और कब दाखिल हुई हैं, आपकी एजुकेशन क्या है और आप क्या करती हैं, हाउसवाइफ हैं और कितने आपकी शादी कितना अर्सा हुआ है, ये आपका पहला बच्चा है और आपकी महावारी की आखिरी तारीख क्या है। अभी जो आप हमारे पास आई हैं तो आपको क्या मसला था, ये जो रिपोर्ट है उसे उसके वो मैं आपके उसके मुतालिक मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी। क्या आपको ये मसला रिपोर्ट आपको नहीं दी गई होती, रिपोर्ट देखो रिपोर्ट आपको नहीं दी गई होती। अच्छा, अगर रिपोर्ट आपको प्रोवाइड हो जाए, देखो इसमें ये हो सकता है कि ये सिनेरियो हो, प्राइमरी ग्रेविडा 32 वीक्स पे है, ओजीटीटी इसका हुआ और उस पे ये रिपोर्ट है, नाउ यू गेट द रिपोर्ट ऑफ ओजीटीटी। ठीक है, उसमें ये हमल आपका खुद से हुआ था या इलाज से हुआ था और हमल आपने पेशाब से कंफर्म किया था या आपका अल्ट्रासाउंड हुआ था। अगर आप मैरिड फॉर पूछ लोगे ना, सपोज शी सेज दैट मैरिड फॉर 9 मंथ्स या 1 ईयर, तो यूजुअली ये स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी ही होती है यूजुअली, लेकिन फिर भी बहरहाल आप पूछ सकते हो, 9 मंथ्स वाले में तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये एल्डरली प्राइमी है, मैम फिर इससे रिलेवेंट तो ये होगा ना, हम उससे पूछेंगे कि आपको बहुत ज्यादा प्यास तो नहीं लगती, बहुत ज्यादा पेशाब तो नहीं आता और कोई बार बार पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा, जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं उसके डायबिटीज के, वो तो आप पूछो, गारा खारिश वाला पानी तो नहीं पड़ रहा। ठीक है, और मैम इसके अलावा से सवाल आपने पूछे वॉमिटिंग का पूछेंगे, हेडेक तो उसमें एपिगैस्ट्रिक पेन, बाइलैटरल फीटल एडिमा, ब्लरिंग ऑफ वीएन, क्योंकि इसमें मैम प्री क्लैम्पशिया के साथ भी प्रेजेंट करते हैं ना ये जो पेशेंट जीडीएम का होता है। जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है, मतलब वो तो देखो कोमॉर्बिडिटीज तो कोई भी उसके साथ हो सकती है, डायबिटीज भी और हाइपरटेंसिव भी हो, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। अमूमन जो सिनेरियोज होते हैं उसमें वो चीज, देखो टाइम मैनेजमेंट उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उतनी ही चीज शामिल की जाती है जिसको आप इजीली मैनेज कर सको इन 10 मिनट्स। जी मैम, फोलिक एसिड आप ले रही थी पहले 3 माह में या नहीं, और आपका 20 हफ्ते पे कोई अल्ट्रासाउंड हुआ था क्या, उन्होंने आपके बच्चे में कोई नुक्स तो नहीं बताया कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का पूछेंगे मैम, कार्डिक डिफेक्ट्स का, कि दिल का मसला हो या कोई ऐसी मसला तो नहीं बताया बच्चे का मैम, उसके बीपी का पूछ लेंगे कि पहले आपकी कभी शुगर या ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हुआ हमल से पहले, या आप शुगर के लिए कोई दवाइयां तो नहीं इस्तेमाल कर रही थी। मैडम ये डिटेल्ड हिस्ट्री हो जाती है बहुत ज्यादा। डॉक्टर शैला ने कहा था कि आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर की भी लेने की जरूरत नहीं और थर्ड की भी लेने की, आपने एट द स्पॉट जो आया ना उसी सिनेरियो को आपने डिग आउट करना है, उसी के मुतालिक आपने क्वेश्चन करने हैं। उन्होंने कहा था मतलब ये है कि आपने जो पर्टिनेंट हिस्ट्री पॉइंट्स होते हैं ना जो कि आपने उन 10 मिनटों में लेने हैं, और ज्यादा प्रॉब्लम जो ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होगा वो ये कि इसकी जैसे एज और पैरिटी तो बता दी ना, एज पूछनी है मैरिड फॉर हाउ लॉन्ग, और उसके बाद इसका जो जो है प्रेजेंट जो हिस्ट्री है इसकी, वो बस सिर्फ ये पूछ लो कि प्रेगनेंसी में अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ किसी किस्म का, बस दिस इज इनफ, इतना सा पूछना भी काफी है। देखो जो हम सिम्टम्स उसमें मैं पूछेंगे कि आपके पेट का साइज बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा और बच्चे की हरकत कैसी है, सांस लेने में मसला तो नहीं होता, चलते हुए सांस तो नहीं फूलता, ये सब मसला हुआ या ना हुआ, इसको सिम्टम्स है या नहीं है, और कब से ये है, डिफरेंशिएशन बिटवीन जेस्टेशनल एंड द टाइप 2 डायबिटीज, ये आपने कुछ क्वेश्चन करने हैं जिसपे ये पता चलेगा ये पहले से है या अब है, और प्रीवियस कोई इसकी जो एंटीनेटल विजिट्स हैं या नहीं है, ये हैं चीजें जो आपने कवर करनी है। ठीक है मैडम, मैं खानदान में शुगर की बीमारी का पूछेंगे और डाइट का पूछेंगे कि वो कैलोरी इंटेक कैसा करते हैं। मैं एक 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 जरा फोन कॉल अटेंड कर लूं। नहीं वो तो ना वो
जी मैडम एक क्वेश्चन पूछना था। मैम इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या पूछेंगे रीनल का कि भाई आपको गुर्दे नहीं नहीं और इतनी डिटेल में मत जाओ, इतनी डिटेल में मत जाओ, फोकस ऑन द डिजीज एंड एनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि इतनी डिटेल में जाओगे वो तो उस बाउंड्री से बहुत आगे, पूछने को तो हजार चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं, लेकिन आपने एक ये टाइम बाउंड स्टेशन है। अब देखो जब आप लॉन्ग केस में हिस्ट्री लेते थे तो बार दफा एग्जामिनेशन करते हुए भी चीज पूछ लेते थे, या बार दफा आपने इन्वेस्टिगेशन में आपको कोई ऐसी चीज नजर आई तो यू गो बैक टू द पेशेंट एंड आस्क एनी डिटेल अबाउट दैट। इसमें ऐसा नहीं हो सकता, आपने इसमें सिर्फ एक टाइम फ्रेम के अंदर आपने हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स पूछने हैं, सो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ठीक है। हमारे पास उन्होंने कहा था कि आपके पास सिर्फ दो मिनट होंगे और उससे रिलेटेड फिर आगे क्वेश्चन वो लोग करेंगे, सिर्फ दो मिनट में आपने डिग आउट करना है उसकी डिटेल जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ दो मिनट, जस्ट टू मिनट, और उसके बाद उससे रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन होंगे, वो उनकी मर्जी है, वो इन्वेस्टिगेशन दे दें, मैनेजमेंट दे दें, या वो कुछ और ठीक है। उसमें इसमें देखो ये तो है एक एग्जामिनर का एक जो फीडबैक है, जाहिर है शी मस्ट बी नोइंग वेरी वेल क्योंकि वो काउंसलर भी हैं और सारा उसके इन सारी चीजों में उनका एक बहुत रोल भी है इन सारी चीजों को इंट्रोडक्शन में तो। लेकिन हो सकता है कोई अब इनके टॉक्स की होती है बैंक्स, इसमें कोई डिफरेंट एग्जामिनर कुछ इस तरह से बना दे कि इसमें आप आपकी सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग स्किल चेक हो, तो आपने इसको अब देखो इसमें हिस्ट्री जो ली जाती है ना, अब हिस्ट्री में अगर आपने कुछ चीजें पूछ ली इसमें तो हिस्ट्री का हो सकता है कि मिसिंग पॉइंट्स आपके आइडेंटिफाई हो जाएं कि ये चीज आपने नहीं पूछी या ये वाली चीजें आपने एक्स्ट्रा पूछ ली, वो फिर आपकी हिस्ट्री टेकिंग स्किल में माइनस या प्लस मार्क्स जो भी है वो उसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज आपने पूछी हो जिससे रिलेटेड मजीद फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत हो कि ये आपने इससे जो पूछा है वजाइनल डिस्चार्ज या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या एब्डोमिनल ओवर डिस्टेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट एंड व्हाट डू यू एंटिसिपेट कि इसमें ये क्या टू एवेल्युएट क्या आपने इसमें एवेल्युएट करना था जो आपने ये वाले क्वेश्चन पूछे like which are being asked in usual long cases में जो होता था कि history examination जब check होता है, जब आप first half में वो चीजें check वो बता रही होती हैं, तो उसमें ये पूछा जाता है कि history में आपने ये वाला question पूछा, what you wanted to evaluate, आपके जेन में क्या चीज थी जो आपने इसको evaluate किया, तो उसी pattern पे कि वो चीज जो history में आपने कुछ extra पूछ ली तो उसमें ये या फिर इसमें differential diagnosis आपके जेन में क्या आ रहा है। इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सपोज ये आपको टाइप 2 डायबिटीज लग रही है, इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं जो आपकी हिस्ट्री में इसको फेवर कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं उस डायग्नोसिस को, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकती हैं। सो देयर आर इट्स अ बिग होराइजन कि जिसमें बहुत सारी चीजें एडजस्ट हो सकती हैं इसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपने बेसिकली इसको हर हर एंगल से प्रेपरेशन करनी है कि उसमें आपने हिस्ट्री पूछ के एक आप एक होता है डिटेल हिस्ट्री, हो सकता है स्टेशन क्या है कि आप इसमें डिटेल हिस्ट्री पूछें स्टेशन, ठीक है। तो इसमें आप ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर से कि एम आई अलाउड टू टेक डिटेल्ड हिस्ट्री फॉर होल ऑफ द टाइम ऑफ दिस स्टेशन और आई हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस। तो इसमें कम अज कम आपको थोड़ा सा ये नो हाउ होगा कि इसमें आपके पास टाइम कितना है, टाइम मार्जिन कितना है हिस्ट्री लेने का, तो जाते ही हमारे लिए जो कमांड होगी वो क्लियर होगी कि आपको हिस्ट्री भी लेनी है, मैनेजमेंट भी बतानी है, ये जो है ना ये कमांड आपको क्लियर मिलेगी कि आपके पास ये आपने ये वाला स्टेशन है, ये वाला सिनेरियो है या ये वाला केस है, ये पेशेंट है जो इनफर्टिलिटी के साथ है, दिस पेशेंट हैज कम टू यू, शी इज अनएबल टू कंसीव फॉर लास्ट 3 इयर्स, शी इज 35 इयर्स ऑफ एज, शी इज अनएबल टू कंसीव फॉर लास्ट 3 इयर्स, प्लीज टेक डिटेल हिस्ट्री फ्रॉम दिस पेशेंट,
मतलब उसी टाइम फिर हम समझ जाएं कि जहां ये सिर्फ इतना सा सिनेरियो अगर होगा और अगर उसने फर्ज किया होगा फर्ज किया कि ये हो कि टेक द हिस्ट्री एंड देन आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एग्जामिनर, ये दो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड बाय द टू बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर है, आपने उन क्वेश्चन को आंसर करना है, इसका मतलब है कि यू डोंट हैव मच टाइम फॉर द हिस्ट्री, तो उसमें तो आप फिर सिर्फ बहुत मेन सेलियंट फीचर पूछोगे कि कितने साल से है, पीरियड्स ठीक आते हैं या नहीं आते, कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई या नहीं हुई, उस पर क्या पता चला है, हस्बैंड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 2-3 मिनट्स में आपको मोटी मोटी चीजें पता चल जाएंगी इसमें, तो उसके बाद फिर जो है वो आप जो है वो उसके क्वेश्चन के आंसर अप कर दें कि फर्ज किया एग्जामिनर जो है वो आपसे स्टार्ट ही इसमें ये लेता है कि व्हाट डू यू थिंक मे बी द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी इन दिस केस, ठीक है, या फिर आप इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, या फिर ये कि अब फर्ज किया इसकी इन्वेस्टिगेशन पे आ जाता है बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज, तो अब आपके पास या ये भी यूनिलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज और एक ट्यूब वन ट्यूब स्टेटेंट, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर दिस पेशेंट, या इसके प्राइमरीली अल्ट्रासाउंड पे आ जाता है जो है एंडोमेट्रोसिस आ जाता है, तो आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन इसमें क्या है, तो इस तरह से लीडिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि जिसमें आपने आंसर करना होगा क्वेश्चन को वहां पे लिखा हुआ होगा कि टेक द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट एंड देन आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, और अगर फर्ज किया इसमें ये ना लिखा हो कि आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय एग्जामिनर, तो फिर आप उसमें ये पूछ सकती हो, ये एग्जामिनर से पूछ सकती हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है कि क्या इस पूरे स्टेशन के टाइम पे आई एम सपोज टू टेक हिस्ट्री ओनली और आई हैव टू आंसर सर्टन क्वेश्चन, ऐसे भी तो होता है कि एग्जामिनर सिर्फ बैठ के आपकी हिस्ट्री टेकिंग स्किल ही चेक कर रहा होता है, आप किस तरह से बात करते हो, किस तरह उसको ग्रीट करते हो, किस तरह से उसे सवाल पूछते हो, लीडिंग क्वेश्चंस हैं या इररिलेवेंट क्वेश्चन हैं, ये सारी चीजें, तो इसमें पूछने में कोई हर्ज नहीं है। फर्स्ट टाइम जो चीजें हो रही होती है उसमें बाद दफा कुछ चीजें ज़ाहिर ट्रायल बेसिस पे ही हो रही होती है, उसमें फिर कुछ चीजें आइडेंटिफाई होती है जो अगले टाइम पे करेक्ट हो जाती है, तो ये जो डिफिकल्टीज या जाहिर डिफिकल्टीज दोनों एंड पे हो सकती है, एग्जामिनर्स के एंड पे भी, कैंडिडेट्स के एंड पे भी। मैडम आई हैव अ क्वेश्चन, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली हम लोग सिर्फ हिस्ट्री पे एम्फसाइज कर रहे हैं, हमारे पास 14 स्टेशंस होंगे और उन स्टेशंस में दूसरी चीजें भी तो होंगी ना, पास होने के लिए हमारे पास और भी चीजें होंगी, देखो ये हमने सबसे पहले बात की है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टेशंस, ये यस मैडम, तो मेरा ये कहना है अब तक टॉक्स, हां जी मैडम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब पास होने के लिए, हमें पास होने के लिए तो सब चीजों पे ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टेशन के तो 2 या 3 या 4 स्टेशन होंगे देखो हिस्ट्री टेकिंग तो सिर्फ इसलिए कि बाकी टॉक्स स्टेशन में कोई मसला नहीं होगा, आप सब लोग उसकी प्रैक्टिस कर ही रहे हो या जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है उनको टॉक्स स्टेशन, बस उसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड हो जाएंगे, वो एक एक्सटेंडेड टॉक्स स्टेशंस होंगे, पहले तो ये 7 मिनट में कंप्लीट हो जाता था, अब ये ज्यादा टाइम का होगा, तो इस वजह से जो है वो इसमें मजीद क्वेश्चंस होंगे या जैसे लीडिंग, क्योंकि देखो हर स्टेशन आपका अब सुपरवाइज्ड है, उसमें क्लिनिकल स्किल्स हैं। मैडम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें अब इस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि हम पास हो जाएं, और पास होने के लिए तो हमारे सारे स्टेशन से इम्पोर्टेंट है, अगर हम बहुत सारी मेहनत सिर्फ हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे करेंगे, हिस्ट्री एग्जामिनेशन तो सिर्फ 2 या 3 या 4 स्टेशन होंगे, तो जो दूसरे हमारे स्टेशन का इनके पास होने के लिए तो वी वॉन्ट अ ग्रिप ऑन एनी स्टेशन, मतलब 14 में से हमें सारे अच्छे स्टेशन करने चाहिए, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अब हम अपना जो लर्निंग और टीचिंग सेशन है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें ताकि हम पास हो जाएं। ठीक है, अब इसमें सिर्फ हम हिस्ट्री पे इसलिए अभी तक स्ट्रेस कर रहे थे आज के क्लास में, वो इसलिए कि यही वो चीज है जो आपकी रूटीन के टॉक से फर्क है, यही वो चीज है जिसमें चेंज आई है, बाकी तो सब एज पर रूटीन है जिसकी आप रूटीन में पहले से भी प्रैक्टिस कर रहे हो। अब इसमें जो लॉन्ग केस है वो डेफिनेटली अब ये चला जाएगा टॉक्स स्टेशन पे, एक्सटेंडेड टॉक्स स्टेशन, तो यही वो चीज है जिसमें आपकी ज्यादा क्वेरीज होंगी और यही वो चीज है जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि बाकी चीजों का आपको पता है कि आपने कैसे करना है, वो तो एक सब्जेक्ट प्रेपरेशन है ना जो आपने करनी है, सब्जेक्ट प्रेपरेशन है,
अभी जैसे पहले आपको अगर फर्ज किया कोई रिपोर्ट दे देते थे कि ये रिपोर्ट पढ़ें और इस पे कंक्लूजन, इसमें क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं फॉर एग्जांपल, अब इस तरह का स्टेशन भी सुपरवाइज्ड होगा, आप उस रिपोर्ट आपने पढ़नी है और फिर आपने आंसर करने हैं क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। स्किल तो पहले भी सुपरवाइज्ड होती थी, यानी यहाँ पे आपने स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करना है, कोई डिलीवरी करनी है, रिपेयर करना है, और या फिर कोई शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो गया, लाइक ऑल दीज ऑब्स्टेट्रिक स्किल्स, तो वो तो पहले से आप करते आ रहे हो, लेकिन मसला या क्वेरीज जो हैं, जो सारी चीजें, वो ये कि अब लॉन्ग केस चला गया टॉक्स में, तो इस वजह से हम इस पे स्ट्रेस कर रहे थे। डेफिनेटली यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन ऑल स्टेशंस, इन ऑल स्किल्स। तो अब जैसे इसमें अब ये जो चार हिस्से होते थे लॉन्ग केस के, वो सारे चले जाएंगे डिफरेंट स्टेशंस पे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था आज की क्लास का, एटलीस्ट कि इसमें हम ये देखें कि इसको करना कैसे, एंड हाउ टू डेवलप आवर टीचिंग स्ट्रेटजीज सो दैट यू ऑल कैन बी बेनिफिटेड बाय दैट, ठीक है। इसका मकसद ये है, इसमें डेफिनेटली आपकी तरफ से भी सजेशन आनी चाहिए, और इसमें कि आप लोग इसको किस तरह से वो चाहते हो, एंड देन यू कन्वे योर सजेशन टू डॉक्टर अरूबा, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको इसी तरह से फिर कैरी ऑन कर सके। जी मैम, ठीक है, ठीक है। तो ये आप उनको व्हाट्सएप पे या उस तरह से आप उनके साथ कम्युनिकेट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम।